हिंदू महिलाओं की तादाद ज़्यादा है, उधर दो दो तीन तीन घंटा करके लाइन डिमांड, भाई हमको वैक्सीनेशन दो, हमारी तादाद में पब्लिक ज़्यादा आ रही करके। और मुस्लिम, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जिधर भी जाओ कोई वैक्सीनेशन लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। अभी थर्ड वे आने वाला है, फोर्थ वे आने वाला है, फिफ्थ वे आने वाला है। मेरी आवाम से, मेरे को क्या ज़रूरत थी, जो गवर्नमेंट से देते थे वैक्सीन लगा के आपको दे सकता था। मैं इतना जद्दोजहद करके एक्ट कंपनी को बात करके 25,000 वैक्सीन देना करके लेके लगातार देते आ रहे, अभी लेने वाला नहीं है। ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं इतना जद्दोजहद किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए, आप लोगों की है। आप लोग समझ रहे क्यों नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हमारे पैदलपुरा वार्ड की आवाम से मैं आज इतना गुजारिश करता हूँ, क्यों ज़्यादा तदर में 99% मुसलमान है उधर। आगे बढ़ के आओ, आप वैक्सीन लो। आपके लिए मैं जद्दोजहद करके गवर्नमेंट से नहीं प्राइवेट किया, क्यों? आप लोग के बहुत एहसान है मेरे ऊपर। मेरे को मालूम है ये कोरोना से अगर बचना है तो वैक्सीन से ही बच सकते हैं। हिंदुस्तान में वैक्सीन की किल्लत है, लोग परेशान हैं वैक्सीन को लेके, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन कब मिलेगा। लेकिन मुस्लिम इलाकों में वैक्सीन को लेके बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ नज़र आ रही हैं, मुसलमान वैक्सीन लेने से गुरेज कर रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या गलत फहमी सिर्फ मुसलमानों में ही फैली है? इसका पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है। चामराजपेट एक मिसाल है। चामराजपेट में जगह जगह पर वैक्सीन ड्राइव चला जा रहे हैं, जगह जगह पे वैक्सीन दिए जा रहे हैं। ऐसे में जहां मुसलमानों की आबादी है वहां वैक्सीन सेंटर खाली पड़े हुए हैं, और जहां गैर मुसलमान हैं वहां लंबी लंबी कतारें हैं। इसकी क्या वजह है, क्यों मुसलमान वैक्सीन को नज़रअंदाज कर रहे हैं? सबसे बड़ा जो मसला है वो आने वाला थर्ड वेव है। ऐसे में मुसलमान किस तरह से थर्ड वेव का मुकाबला करेंगे, एक सवाल है। बीजट ज़मीर अहमद ख़ान ने इस मसले पर अपने दिल की बात कही है। इस मसले पर उन्होंने खुलकर कहा है कि किस तरह से मुसलमान नज़रअंदाज कर रहे हैं, वैक्सीन जैसे हथियार को कोरोना के जंग में इस्तेमाल करने से मुसलमान गुरेज कर रहे हैं। चामराजपेट असेंबली हलके में लगातार रोज़ाना वैक्सीन ड्राइव चलाया जा रहा है। आज ज़मीर अहमद ख़ान ने मुसलमानों से दर्द मंदाना अपील की। इन्होंने कहा कि मुसलमान वैक्सीन लेने में गफलत बरत रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजों से गुमराह हो रहे हैं। चामराजपेट में जहां गैर मुस्लिम इलाकों में बड़ी तादाद में वैक्सीन लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लोग नज़र आ रहे हैं, वहीं मुस्लिम इलाकों में वैक्सीन सेंटर खाली नज़र आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि पादरानपुरा जैसे गंजाम मुस्लिम आबादी इलाके में लोग वैक्सीन लेने से गुरेज कर रहे हैं। ज़मीर अहमद ख़ान ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी खबरों से गुमराह ना हो, मुसलमान बड़ी तादाद में वैक्सीन हासिल करें। आप देखे होंगे अभी वैक्सीन हमारा 135 पैदनपुरा वार्ड के अंदर हमारा BBMP से वैक्सीन नहीं दिया गया, तो मैं ज़्यादा उधर संख्या उधर मुसलमान की आबादी ज़्यादा है हमारे 135 वार्ड के अंदर, पैदनपुरा वार्ड बोलते हैं, मुसलमान की आबादी ज़्यादा है। वो देख के BBMP से देंगे तो क्या करते हैं, 200 या 300 देते हैं। मैंने क्या किया, एक्ट कंपनी करके उनसे बात करके दो जगह पॉइंट डाला मैं। 22 तारीख को हमारे अरफात नगर में आईना हेल्थ केयर सेंटर करके उधर एक पॉइंट डाला, उधर 1,000 वैक्सीन दिया था। बाद में हमारा रहमानिया मस्जिद करके बोल के उधर एक पॉइंट डाल के उधर एक हज़ार वैक्सीन दिया था। अब यकीन नहीं मानते, इतना हम लोग अवेयरनेस जद्दोजहद करने के बावजूद भी आईना अरफात नगर के अंदर 22 तारीख को खाली 112 जन वैक्सीन लिए 1,000 के अंदर। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करके उनको, कंपनी वालों को, एक्ट कंपनी वालों को, नहीं भाई आप नेक्स्ट डे भी एक दिन एक्सटेंड करो करके बोल के एक्सटेंड कराया। कल 23 तारीख खाली 70 जन वैक्सीन लिए, यही रहमानिया मस्जिद के अंदर। उधर वैक्सीन का 1,000 का इंतज़ाम किया था, पहला दिन 22 तारीख को 170 जन वैक्सीन लिए। अभी कल रहमानिया मस्जिद के अंदर 280 पर दो वैक्सीन लिए। आज क्या किया, तो वो एक्ट कंपनी वाले वैक्सीन देना बंद कर दिया। वजह उसकी क्या है, उन लोग का स्टाफ रहता है, डॉक्टर्स रहते हैं उसके अंदर, उन लोग एक दिन के लिए 1,000 वैक्सीन करके दिए थे मेरे को। ये आवाम नहीं है तो लोग क्या करते, दो दिन मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर दो दिन किए, अभी आज क्या कर दिया, वैक्सीन बंद कर दिया। तो फिर उनसे दोबारा मैं रिक्वेस्ट किया, नहीं साहब आवाम में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं अवेयरनेस लेके आके मैं कराता हूँ, आप कल से डालो करके रिक्वेस्ट किया। मेरी आवाम को एक आजीजाना गुजारिश करता हूँ, कोई नहीं किया काम वो मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कि मेरी शाबाशी मैं कर ले रहा हूँ। वजह क्या है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा घर है, मेरी आवाम को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। मैं हकीकत जानता हूँ, अगर वैक्सीन लेने से ही कोरोना से बच सकते हैं, ये कोरोना अभी तक ख़त्म हुआ नहीं, ये सेकेंड वे अभी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, पूरी तरह से भी ख़त्म नहीं हुआ, धीरे धीरे कम हुआ है। अभी थर्ड वे आने वाला है, फोर्थ वे आने वाला है, फिफ्थ वे आने वाला है।
मेरी आवाम से, मेरी को क्या जरूरत है जो गवर्नमेंट से देते थे वैक्सीन लगा के आपको दे सकता था। मैं इतना जद्दोजहद करके एक्ट कंपनी को बात करके 25,000 वैक्सीन देना करके लेके लगातार देते आ रहे, अभी लेने वाला नहीं है। अभी नोटरी क्लब में मंजुनाथ प्रसाद करके मेरा अच्छा दोस्त है, कल उन्होंने फ़ोन किया था, मैं मंडे या ट्यूजडे से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 वैक्सीनेशन देता हूँ। ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं इतना जद्दोजहद किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए, आप लोगों की है। आप लोग समझ रहे क्यों नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर कोरोना में साइड इफेक्ट होता तो डॉक्टर लोग क्यों वैक्सीन लेते हैं, हम लोग क्यों वैक्सीन लेते हैं? सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री के अंदर, तमाम मुस्लिम कंट्री के अंदर वैक्सीनेशन लिया गया है, चाइना के अंदर वैक्सीनेशन लिया गया है, अमेरिका के अंदर वैक्सीनेशन लिया गया है, हर अधिकारी का वैक्सीनेशन लिया गया है। खाली इसके अंदर नेगलेक्ट कर रहे हैं, मुसलमान कम्युनिटी नेगलेक्ट कर रहे हैं। अभी देखो हमारी कांसी हल्के के अंदर आज़ाद नगर में वैक्सीनेशन कल दिया था, वैक्सीनेशन की लाइन लगी है, इतनी तेज़ से लाइन मैं बोल ही नहीं सकता, और डिमांड है। एक एक जगह में हम लोग 300-400 वैक्सीनेशन दे रहे हैं। अब जिधर हमारे हिंदू भाइयों की तादाद ज़्यादा है उधर दो दो तीन तीन घंटा करके लाइन डिमांड, भाई हमको वैक्सीनेशन दो, हमारी तादाद में पब्लिक ज़्यादा आ रही करके। और मुस्लिम, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जिधर भी जो कोई वैक्सीनेशन लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा, जैसा कि हमारे वाल्मीकि नगर में एक मैं कैंप डालाऊँ हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, उधर भी जो है वैक्सीनेशन में 500 वैक्सीनेशन का इंतजाम किया था। खाली 70-80 आदमी है, वही हमारे हिंदू भाई लोग के अंदर जाके देखो आप वैक्सीनेशन, उन वैक्सीनेशन हर जगह बढ़िया से चल रहा है। हमारे पैदलपुरा वार्ड की आवाम से मैं आज इतना गुजारिश करता हूँ, क्यों ज़्यादा तदर में 99% मुसलमान है उधर, आगे बढ़ के आओ आप, वैक्सीन लो आप। आपके लिए मैं जद्दोजहद करके गवर्नमेंट से नहीं प्राइवेट किया, क्यों? आप लोग के बहुत एहसान है मेरे ऊपर, आप लोग के एहसान चुकाना मेरे को मालूम है। ये कोरोना से अगर बचना है तो वैक्सीन से ही बच सकते हैं, इसके लिए मैं जद्दोजहद करके ये एनजीओ से बात करके मैं आपके लिए लेके आके दे रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए।